अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एटम्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज एन एटम। नाउ एटम जो आपको पहले बता चुके हैं दैट इज दैट एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, यानी दुनिया के अंदर जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, जितने भी मैटर मौजूद है, सबकी बनावट जो होती है, सबकी जो बेसिक बुनियाद होती है वो एटम्स होती है। यानी तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास एटम से बने हुए। हम खुद जो है अगर देखा जाए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सेल्स से बने हुए हैं, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स भी हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से बने हुए होते हैं। तो तमाम चीज़ों की जो बुनियाद होती है केमिस्ट्री के अंदर दैट इज एटम्स। ओके, तो ये एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर और जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से जो एक बिस्किट होता है, एक कुकी होता है, उसको तैयार करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। यानी कि अगर आप एक बिस्किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको आटे की जरूरत होगी, चीनी की जरूरत होगी, ब्राउन शुगर गुड़ की जरूरत होगी, चॉकलेट चिप की जरूरत होगी, बटर की जरूरत होगी, मक्खन की और बेकिंग सोडा की। तो जिस तरीके से एक सिंपल सा बिस्किट तैयार करने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, तो वैसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स को तैयार करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एटम की जरूरत होती है। तो इस वक्त हमारे पास जो एटम्स जो हमें डिस्कवर हुए हैं 118 एटम्स हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ 118 एटम्स हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं, जिनको हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है इन द पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप दुनिया भर के जितने भी अभी तक डिस्कवर हुए हैं 118 एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं। इस वक्त जिस स्क्रीन से आप देख रहे हैं, जिस आईज को आप मूव कर रहे हैं देखने के लिए, ये तमाम की चीजें जो हैं एटम से बने हुए होते हैं। तो एटम इतना छोटा होता है कि ये जो है नेकेड आई से, यानी आप अपने आईज से नहीं देख सकते, यानी इतना छोटा होता है। लेकिन अगर वो इतना ही छोटा होता है तो भला साइंटिस्ट को कैसे मालूम कि एटम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो तो प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं ना कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है इस वक्त, यानी कि वो नहीं दिखा पा रहे कि वो इतनी छोटी कि हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो आखिर हम लोगों को कैसे पता चला कि एटम एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हमें सदियों पहले जाना पड़ेगा, 400 BC डेमोक्रेटस। अब डेमोक्रेटस के वक्त में बिलीव किया जाता था कि अगर हम किसी चीज को काटें तो हम लगातार उसको काटते रहेंगे। लाइक लेट्स सपोज हम एप्पल को आधा करें, फिर दोबारा आधा करें, फिर दोबारा आधा करें, जब हम आधा करते जाएंगे तो हम लोग जो है कभी भी नहीं खत्म कर पाएंगे वो एप्पल जो काट, यानी वो इन्फिनिटी तक हम काटते रहेंगे। अब डेमोक्रेटस से ये बात संभरी नहीं गई, कैसे हो सकता है कि कोई चीज हम काटते रहें तो वो हाफ होता रहे। तो डेमोक्रेटस ने फरमाया कि अगर जो है हम कोई ऐसा चीज काटें और बिल्कुल उसके मैक्सिमम, बिल्कुल मिनिमम पॉइंट उसकी पहुंच जाए, एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाए, तो एक वक्त ऐसे आएगा कि हम उसके बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल पहुंच जाएंगे, जिसको उसने कहा एटोमोस। ठीक है, एटोमोस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अनकटेबल। ये वाला जो है डेमोक्रेटस ने आइडिया दिया, बट क्योंकि वो फिजिकली उसका कोई प्रूफ नहीं कर सका, कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ नहीं कर सका, तो रिजेक्ट कर दिया गया था इसका आइडिया। क्योंकि लोग कहते थे जो बगैर सबूत के प्रूफ किया जा सकता है वो बगैर सबूत के उसको इनकार भी किया जा सकता है। फिर आगे चले आते हैं हम लोग 700 AD। उस वक्त एक साइंटिस्ट जाबर बिन हयान मुसलमान साइंसदान है, और बहुत सारे मुसलमान साइंसदान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने केमिकल प्रोसेसेस से डिफरेंट तरीके से केमिकल्स तैयार किए। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि दुनिया में जो चीज़ मौजूद है, लाइक फ्रूट मौजूद है, तो उसको तोड़ने की कोशिश की। जब उन्होंने तोड़ा तो उसमें से क्या मिला, वाटर मिला, अल्कोहल मिला, एसिटिक एसिड मिला, शुगर मिला, पल्प मिला। तो जब उन्होंने फ्रूट को फर्मेंट किया, उसको खराब करके, उसको पूरा सड़ा के, तो वो उनको ये चीज़ें मिली। 1700 AD में हस्बैंड एंड वाइफ मैरी एन एंड एंटोइन लव्यूजर ने उसको और ज़्यादा स्टडी किया, जो फर्मेंटिंग से हमें चीज़ें मिल रही थी उसको और ज़्यादा तोड़ा। जब और ज्यादा तोड़ा तो उनको ये पता चला कि ये तमाम चीजें और भी ज्यादा छोटे चीजों से बने हुए हैं। लाइक उन्होंने डिस्कवर किया जो वाटर है वो दो डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो दो है और ऑक्सीजन एक है। तो यानी उन्होंने और भी तोड़ने की कोशिश की हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, तो वो नहीं तोड़ सके। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक्सट्रीम पॉइंट है। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दे दी। डेफिनेशन क्या है एलिमेंट की, that elements are the primary constituents of matter.
यानी कि तमाम मैटर एलिमेंट से बने हुए हैं, वो उसकी बुनियाद है, बुनियाद उसकी है। दैट कैनॉट बी क्रिएटेड और ब्रोकन डाउन थ्रू नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस, यानी कि हम एलिमेंट्स को नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको बना सकते हैं, ना उसको ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, ना उसको ब्रेक तोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उन्होंने ये एलिमेंट्स की डेफिनेशन दे दी। इस एलिमेंट्स की डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट ने और भी स्टडी किया। जब और स्टडी किया तो उन्होंने और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती है, आहिस्ता आहिस्ता हमें इस वक्त 118 एलिमेंट्स का पता चल गया, यानी इस डेफिनेशन को उन्होंने बुनियाद बना दी। ठीक है, तो उन्होंने ऑक्सीजन फाइंड किया, हाइड्रोजन फाइंड किया, इस तरीके से जो है उन्होंने कुछ सॉलिड फॉर्म में कार्बन को देखा, कुछ सॉलिड फॉर्म गोल्ड में थे, कुछ जो है लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास मर्क्यूरी आया और ब्रोमीन आया, तो उन्होंने देखा कि डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि जब हम लोग दो डिफरेंट मेट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो न्यू कंपाउंड बन रहा है, यानी जैसे कि उन्होंने कहा कि सोडियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड यानी जो हम नमक खाते हैं वो बनता है। इसी तरीके से अगर आयरन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा तो फिर वो जंग बनेगा। ऑक्सीजन और मर्क्यूरी अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो ऑरेंज कलर का जहर बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा तो वाटर बनेगा। तो यानी कि उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स फिक्स रेशियो के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन करें तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं, और इसी तरीके से वो जो है अगर उसको तोड़ दिया जाए तो वापस उतने ही एलिमेंट्स वहां पर वापस आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा केमिकल रिएक्शन के थ्रू उन्होंने ये चीज किया। फिर उसने क्या किया कि यहाँ पे उनको फिर और ज्यादा तजस्सुस हुआ कि चलो हर चीज एलिमेंट का बना हुआ है, लेकिन एलिमेंट किस चीज का बना हुआ है? तो अगर हम कुछ ज्यादा जूम इन करें एक एलिमेंट के अंदर, यानी बहुत ही ज्यादा उसके छोटे पार्टिकल में चले जाए, तो हमें पता चलेगा, जैसे जॉन डेल्टन ने, एक इंग्लिश साइंसदान था, इंग्लिश टीचर था, बेसिकली इंग्लिश टीचर इन द सेंस कि वो यूके में एक स्कूल में पढ़ाता था। यहाँ पे इंग्लिश टीचर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता था। इंग्लिश हियर इज लाइक अ यूके के लिए, जैसे पाकिस्तानी इज अ पर्सन हु स्टेज इन पाकिस्तान, ठीक है, जिसकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, तो वैसे ही इंग्लिश हियर मीन्स कि उसकी नेशनलिटी यूके की थी। तो उसने क्या किया, उसको केमिस्ट्री में बहुत सारा दिलचस्पी आया, तो उसने जब रिसर्च किया, जितने भी केमिस्ट्री में रिसर्च पेपर्स आ रहे थे वो ज़्यादा रिसर्च करता जा रहा था उस चीज़ को, तो उसको क्या पता चला कि उसने डिस्कवर किया कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं एक छोटे ज़्यादा छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। तो उसने उसकी बुनियाद पर अपना एटॉमिक थ्योरी दिया। ओके, तो यानी कि उन्होंने बताया कि अगर हम एलिमेंट के अंदर कुछ ज़्यादा जूम करें तो हमें लाइक गोल्ड के अंदर गोल्ड के एटम्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये अपने एटॉमिक थ्योरी में दे दिया कि तमाम एलिमेंट्स एटम के बने हुए होते हैं और वो सिंगल टाइप ऑफ एटम के बने हुए होते हैं और उनकी साइजेस जो हैं मुख्तलिफ होती हैं। लाइक हीलियम एटम छोटा है, उससे बड़ा जिंक एटम है, उससे बड़ा सीजियम होता है। तो इसने ये सारी थ्योरी अपनी दी एक किताब के अंदर, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, और इसके अंदर उसने पूरा का पूरा एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया। उसमें सबसे पहले ये बताया कि तमाम चीज़ें एलिमेंट की बनी हुई होती हैं, एलिमेंट्स एटम से बने हुए होते हैं, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे डेमोक्रेटस ने शुरू में कह दिया था कि हम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर हम चीज़ों को नहीं तोड़ सकते और उसको और डिवाइड नहीं कर सकते, तो एटम्स का उसने बता दिया। फिर उसने कहा कि एटम्स जो आपस में एक फिक्स रेशियो के साथ रिएक्ट करते हैं और फिक्स रेशियो दुनिया भर के लिए सेम होता है। ओके, ये सारी चीज़ें जॉन डेल्टन ने अपना एक्सप्लेन किया था। तो यानी कि जैसे आप देख सकते हैं, एक एटम का क्या है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, रोटेशन उनकी हो रही होती है, और जिस जगह पे वो मूव कर रहे होते हैं उसको एनर्जी लेवल, और उसके पास एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक जगह पे फिक्स होते हैं। ओके, सो टुडेज़ होमवर्क, आज के लिए यू हैव टू फिल अप इंडेक्स बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री एंड डेट इज August 18, 2021। अगेन, आपको सबसे पहले यू हैव ट्राइड 7 questions, उसके नीचे आप ब्लू मार्कर से हेडिंग देंगे आंसर्स की, एंड देन जो भी क्वेश्चन 1 का आंसर होगा वो लिखेंगे 1 देकर, 2 का आंसर लिखेंगे 3, 4, 5, 6 and 7, सो ऑन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एटम, एटम की डेफिनेशन क्या है, ड्रॉ एन एटम ऑफ कार्बन एंड लेबल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड एनर्जी लेवल। अब आपको फिर उसका क्या करना है, कार्बन एटम को ड्रॉ करना है, उस ड्रॉइंग के अंदर आपको लेबलिंग 4 करनी है, इलेक्ट्रॉन को लेबल करना है, प्रोटॉन को लेबल करना है, न्यूट्रॉन को करना है एंड एनर्जी लेवल को करना है।
ये लेबलिंग करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर टू, डिफाइन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, अभी तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जिस टेबल में हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज किए हुए हैं उस टेबल को क्या कहते हैं। नंबर फाइव, हु गेव द वर्ड एटम, एटम वर्ड किस साइंसदान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एटमस, वर्ड एटमस का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु गेव द एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसने दिया। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द बुक इन विच द एटॉमिक थ्योरी वॉज एक्सप्लेन, उस किताब का नाम बताइए जिसमें एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था। तो ये सेवन क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इट, मेक श्योर टू फिल अप योर इंडेक्स एंड राइट द डेट एंड आंसर इट प्रॉपरली, नीटली एंड क्लीन हैंडराइटिंग प्लीज। अल्लाह हाफिज़।